मेरा नाम कन्हैयालाल शर्मा है, मेरी कंपनी का नाम कृष्णा आइसक्रीम है। हम 2012 से ऑपरेट कर रहे हैं। दादाजी 1990 से कैंडी पे थे, मेरे डैड ने चालू किया ये अभी आइसक्रीम चाचा के साथ। हमारे पास 300 होलसेलर का कस्टमर है और यहाँ आने से यही सीखा कि मिक्स कैसे बेटर करें, लेबोरेटरी कैसे करें और आपका मिक्स कैसे बेस्ट हो, गवर्नमेंट रेगुलेशंस में हो, ये सब सीखा। यहाँ आने से पहले क्या आप अपने प्लांट में ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे जो आपको लगा कि ये अब मैं जाके करेक्ट करने वाला? यस, बहुत सारी, जैसे मिक्स की प्रॉब्लम थी, एसओपी था, बहुत सारी, जैसे लेबोरेटरी का था, फ्लेवर ज़्यादा हो रहे थे, कलर कम ज़्यादा हो रहे थे, तो वो सब इश्यूज थे। कुल्फी का भी था, बहुत हार्ड है, ये है, वो सब सीखा। एज ए मैन्युफैक्चरर्स लेबोरेटरी के क्या क्या बेनिफिट्स आपको लगते हैं कि अगर हमारे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं लेबोरेटरी का यूज़ करेंगे तो उनको ये बेनिफिट्स होने वाले हैं? जैसे सर ने बताया कि जैसे होमोजेनाइजर बराबर हुआ है, उसके लिए अलग इक्विपमेंट्स है, कलर के लिए हैं, तो उससे आप एक पैरामीटर सेट कर सकते हैं, पैरामीटर सब बराबर, फ्लेवर के लिए, कलर के लिए। अच्छा, 3 दिन की जर्नी को अगर आप अपने वर्ड्स में समराइज करना चाहेंगे तो किस वे में कर पाएंगे? हेल लॉट ऑफ एजुकेशन विद एक्सपीरियंस पर्सन और बहुत बढ़िया जर्नी, बहुत अच्छा स्टाफ और मेंबर्स। जो न्यू कमर्स हैं और जिनको स्पीड में आना है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि यहां आकर वो क्या चीजें सीख पाएंगे? कि आप पहले तो बेसिक क्लियर करिए, यहां आके बेसिक तो बेस है, वैसे तो है ही है पर बहुत जरूरी है। जैसे आपका अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आप डायरेक्ट प्लांट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और यहाँ आके ट्रेनिंग लेंगे तो आपको प्लांट के बारे में पता चलेगा, कम मशीनरी में कैसे बनाना है। ऐसे क्या की पॉइंट्स हैं जो आपको इस 3 दिनों में लगा कि हाँ ये एज ए मैन्युफैक्चरर शायद मुझे अगर पहले पता होते तो मैं अपने बिजनेस को और अच्छे से रोटेट कर पाता? एक तो कैलकुलेशन, कि कैसे कैलकुलेट करके हम अपनी आइसक्रीम या FD बराबर गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंदर ला सकते हैं। दूसरा लेबोरेटरी, लेबोरेटरी का यूज़ करके कैसे अपना प्रोडक्ट और इफ़िशियंट हो सकता है, और एक तो SOP कैसे सेट करनी है वो सर ने सिखाया, वो बहुत ज़रूरी था। दो शब्द मिस्टर संदीप के लिए आपकी तरफ से। बहुत ही वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस्ड और बहुत उम्दा आदमी। और दो शब्द आपके लिए कि टेक्निकल और प्रैक्टिकल नॉलेज में बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।